अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से किधर बिजी हूँ, मैं नई वीडियोस नहीं डाल रहा। सो इन सब बातों के आंसर्स हैं मेरे पास। तो पहले इस बात को क्लियर कर देते हैं, मैं लाइफ कुछ बिजी होने की वजह से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, लेकिन नाउ आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि यार आज ये बाहर नहीं है, मतलब घर में ऐसा क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज हम करेंगे एक ऐसी चीज़ की अनबॉक्सिंग जिसको लेने का एक मेरा ड्रीम था बचपन से, और वो चीज़ अब मैं ले चुका हूँ। अच्छा। सो आज हम सब उस चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे, आइए मेरे साथ देखते हैं मैंने ऐसा क्या किया। सो गाइस, जैसा कि मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ कि आज की वीडियो हमारी जो है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है, हम कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर रहे यूएई में, हम लोग एक चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को उस चीज़ का बॉक्स दिखाऊंगा और आप लोगों ने गेस करना है, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि जिन लोगों ने वो बॉक्स देख के ही उसको गेस कर लिया था कि ऐसा मैं क्या अनबॉक्स करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज, ये है फाइनली, ये है वो चीज़ जिसको दिखाने के लिए मैं इतनी एक्साइटमेंट शो कर रहा था। तो ये था मेरे बचपन का ड्रीम जिसको मैं लेना चाहता था बड़ी देर से, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा था। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में मेरा एक दोस्त था जिसके पास मैं गेम खेलने के लिए उसके घर जाता था। अच्छा। और आई गेस उसके पास तब PS2 था, PlayStation 2 था। सो तब से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपना एक PlayStation परचेज करूं और मतलब गेम्स वगैरह इन्जॉय करूं, क्योंकि मुझे गेमिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे के ड्रीम्स को अचीव करना आपके लिए मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। सो फाइनली इधर यूएई में रहते हुए मैंने अपना बहुत ही एक मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो फाइनली मैंने ली है। सो आइए हम सब मिलके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आज। One eternity later. सो गाइज, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि ये मैंने कितने का लिया, PS5 यूएई में प्राइसिंग क्या है और उसको कंपैरिजन क्या है पाकिस्तान में जो इसकी प्राइसेस हैं उसके साथ, सो आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना निकल और एंड तक देखना है कि इसकी अनबॉक्सिंग में क्या क्या मुझे एड्स ऑन थे, जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें इसके साथ परचेज किए हैं और जो मुझे इसके साथ मिली हैं। सो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हम लाइव मैं आपको सेटअप करके भी दिखाऊंगा टीवी पे इसका, और गेम्स वगैरह भी जो इसके साथ मिली हैं जो मैंने ली हैं साथ, वो भी हम इसको इकट्ठे देखेंगे और इसका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस करेंगे। सो ये है प्लेस्टेशन का बॉक्स, इसके अंदर है हमारा प्लेस्टेशन, इसको भी मैं फ़िलहाल नीचे रख देता हूँ। इसके साथ मुझे ये इसका एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर भी मिला है, क्योंकि आपको पता है अगर आप प्लेस्टेशन खेलना चाहते हैं और अगर आपके साथ कोई रहता है या आपके मतलब सिबलिंग्स हैं तो आप डबल प्लेयर्स में मतलब काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं उसको। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इसके साथ मुझे मिली है, एड ऑन था। इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा कि मतलब इसका क्या चक्कर होता है। सो इसके अलावा एक दो और एक्सेसरीज हैं, सो आइए देखते हैं कि अभी इसके अंदर से क्या निकलता है। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि बॉक्स मैंने प्लेस्टेशन को बॉक्स से बाहर निकाल लिया, लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये देख सकते हैं आपके, ये है जी हमारा वाइट कलर का प्लेस्टेशन है और हमारा कंट्रोलर भी बिल्कुल वाइट कलर के हैं और बहुत ही एडवांस कंट्रोलर है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, इसके साथ मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है और ये बहुत ही कमाल का कंट्रोलर है, और इसके अंदर जो सेंस इन्होंने दिया है वो आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होता है कि आप रियल में टीवी के अंदर कुछ कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा है इसका रिस्पांस आया। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ जो मुझे एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर मिला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर मिला है इसके साथ, देख सकते हैं आप लोग, इसको खोलेंगे हम लोग, इसके अंदर देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या है। तो बाहर की चीज़ें हैं ना, तो पैकिंग भी उस हिसाब से ही उन्होंने की होती है, पायदारी भी उसी हिसाब से होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने काफ़ी ट्रैवल करके आना होता है। सो इसीलिए मैंने वो बॉक्स से भी निकालते हुए प्लेस्टेशन को नहीं दिखाया, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी बंदे की मेहनत लगती है। सो ये बॉक्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमारा है जी सेकेंड कंट्रोलर, कंट्रोलर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल जेन्युइन है, देख सकते हैं आप लोग। सो ये है जी इसका दूसरा कंट्रोलर। सो ये मुझे वैसे बहुत ही अच्छे लगे और बहुत ही इनकी अच्छी मुझे क्वालिटी लग रही है, और जो बिल्ड क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं बहुत कमाल किस्म की बनाई है इन्होंने, और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अलावा डिब्बे के अंदर से क्या निकला भाई, डिब्बे के अंदर से आईफोन से तो ज़्यादा ही चीज़ें निकली हैं। खैर आईफोन की तो अब क्या ही बात है, आईफोन 14 भी लॉन्च हो चुका है,
उसकी भी थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है कि भाई क्या करना है, क्योंकि आपका भाई आईफोन 12 यूज कर रहा है। अच्छा है कोई पिछले 2 साल से, और अब मेरा यही प्लान है इसको जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें दे दी हैं उन्होंने आईफोन के अंदर। पहले वाला आईफोन भी मैंने अपना कोई 5 से 6 साल यूज़ किया था, लेकिन अभी इसको इतना लंबा नहीं चलाना। सो कोशिश यही है कि मैं आईफोन भी लूँ और उसकी भी कोई अच्छी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो भाई ये इसके अंदर से ये कुछ चीज़ें निकली हैं, जो कि ज़्यादा लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये एक डिवाइस है, बहुत ही कमाल की डिवाइस है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर आप एक टाइम पे दोनों रिमोट कंट्रोल्स को चार्ज कर सकते हैं, प्लेस्टेशन को, तो आप अपने रिमोट्स को कंट्रोलर्स को इसके ऊपर लगा के, तो यहाँ पे रख के चार्ज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसको आप लोग कैसे इसके अंदर सेट कर सकते हैं। सो यह जाएगा, ये इसके ऊपर एक USB चिप लगती है, लाइटनिंग केबल की इसके अंदर जगह दी हुई है इन्होंने, तो ये एक चिप है जो इसके अंदर फिट हो जाती है। सो ये हम इसके अंदर चिप लगाएंगे और इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, ठीक है। सो ये दो कंट्रोलर आपके एट द सेम टाइम आप चार्ज कर सकते हैं। देखिए कितनी कमाल की चीज़ उन्होंने बना दी, और कोई मुश्किल नहीं है यार, आप लोग जैसे मर्जी यूज़ करो इसको। अभी इनको हम साइड पे रखते हैं थोड़ा। सो गाइस थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट अनबॉक्सिंग की वीडियो है, तो ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। सो अभी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही होंगी, लेकिन होपफुली टाइम के साथ साथ इंसान सीख जाता है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। सो ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये है जी मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, ये हमारा आ गया है जी प्लेस्टेशन। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ऑलरेडी सेट करके रखी हैं, ताकि इसको एकदम सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने पैकिंग बहुत कमाल किस्म की होती है, सो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सो ये रहा जी हमारा प्लेस्टेशन 5, ये आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर में है, और वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है। आवाज़ थोड़ी सी डगमग आ गई है, क्योंकि भाई ये बहुत भारी चीज़। अच्छा, इतनी हल्की चीज़ नहीं होती, बिल्कुल जिस तरह आपका PC होता है उसी तरह का ये प्लेस्टेशन भी होता है, इसका भी उतना ही वेट होता है। सो अब अनबॉक्सिंग तो आप लोगों को मैं दिखा दी, लेकिन मेरा जो एम है कि मैं आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस भी कराऊँ कि ये कैसे इसको सेटअप करते हैं, TV पे कैसे सेटअप करते हैं, और गेम से मुझे याद आया कि यार गेम्स तो दिखानी चाहिए कि हमारे पास गेम्स कौन सी हैं। सो भाई गेम हमें इसके साथ जो हमें मिली है, वो मेरी सबसे फेवरेट गेम है, जिसका मुझे बहुत क्रेज़ है खेलने का, वो ये है कॉल ऑफ ड्यूटी। इसके अलावा जो गेम मुझे बहुत पसंद है वो है ये मेरी मोस्ट फेवरेट गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4 YCT मैंने बहुत खेल लिया, और इस गेम का भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और अभी हम देखते हैं कि कैसा मज़ा आता है। और मोस्टली मैं यही गेम खेलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है थोड़ा मिशंस वगैरह करने का, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको पसंद होता है कि वो गाड़ियाँ चलाएं और वो मतलब तबाहियाँ मचाएं। ये गेम है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट गेम है, और मैं मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं यही गेम खेलूँगा। इसके अलावा मेरे पास डबल प्लेयर के लिए मेरे पास ये टेकन 7 की गेम है, तो अगर मैंने किसी अपने दोस्त के साथ खेलना है, या मेरा कोई कज़न है, या मेरा कोई सिबलिंग है, तो मोबाइल से जान छुड़वाने के लिए ये अच्छा तरीका है कि आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर लो, ताकि आपकी आंखों पे और आपके दिमाग पे उतना इफेक्ट ना पड़े जितना मोबाइल से सोशल मीडिया से पड़ रहा है। सो डबल प्लेयर के लिए मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी गेम है मेरे पास अभी तक की। इसके अलावा ये एक गेम है जो कि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की, ये है जी कंट्रोल, और इसको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि 80+ अवार्ड इसको मिल चुके हैं। सो ये भी हम देखेंगे कि इस गेम में ऐसा क्या है, मैंने आज तक नहीं खेली, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा क्या है इस गेम के अंदर जो कि इसको इतने ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। सो ये तो थी हमारी अनबॉक्सिंग, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सेटअप करना है और इसका क्या रिजल्ट आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। 1 hour later सो गाइज मैंने प्लेस्टेशन को कनेक्ट कर दिया, मैंने प्रॉपर उसकी सेटिंग्स भी कर दी हैं, मतलब कि कनेक्शन सारा कर दिया इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं कंसोल सेट कर दिया, कंसोल को स्टैंड पे खड़ा कर दिया उसके, और इसके अलावा मैंने कंट्रोलर भी सेट कर दिए। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती, आप लोगों ने पीछे से HDMI को कनेक्ट करना है इसके साथ, और इसके अलावा जो आपके ये कंट्रोलर होते हैं इसको आपने USB केबल और साथ में एक पावर केबल होती है,
सो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हर बंदा कर सकता है जिसको कंप्यूटर का पता है, प्ले स्टेशन का पता है। सो इस वजह से वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास इसका एक बटन होता है, हम लोगों का जो इसका पावर बटन होता है ब्लैक कलर का, इससे नज़र नहीं आएगा, तो ये मैंने इसको ऑन कर दिया है और ये आपको बीप नज़र आ गई होगी। और वो देख सकते हैं कि इसकी ये जो ब्लू कलर की लाइट है यार, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है, नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन इन्होंने बनाया है और आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि भाई टीवी के ऊपर PS का साइन आ गया। हाँ मुझे पता है कि पीछे से मेरा कमरा भी नज़र आ रहा है, सो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अब वो रिफ्लेक्शन में तो आएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं इसका डिस्प्ले। सो अभी हम लोग इसके अंदर कंट्रोलर का बटन दबाएंगे और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट के मतलब क्या इसका शशका है। इसके अलावा वो करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि मतलब जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कंट्रोलर को हमने कैसे सेट करना है, तो कंट्रोलर को हमने भाई सेट कर दिया। ये हमारा कंट्रोलर है, मैं देख लेता हूँ इसमें पावर क्यों नहीं आ रही। मेरे ख्याल है मैंने अभी इसकी तार ही नहीं लगाई, तो तार लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस कंट्रोलर की वायर भी सेट हो चुकी है और ये मैंने लगा दी है। इसके अंदर शो कर रहा है वो कि आपका एक कंट्रोलर है जिसकी बैटरी अभी लो है, तो वो उसका रेड साइन में शो कर देगा। और उसके अलावा आपको चार्जिंग शो कर रहा है, इसकी चार्जिंग कम है इसको चार्जिंग शो करेगा। अगर हम इसके पीछे वाली देखेंगे तो वो चार्ज है, तो उसको चार्जिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये कितना ही, इन्होंने डॉप किस्म का स्टैंड बनाया है इसको, और बहुत ईजी आप लोगों के लिए अगर आपने इसको चार्जिंग वगैरह करनी है। बाकी आई होप कि आपको मेरा टीवी भी अच्छा लगा होगा। आई डोंट नो ये किस कंपनी का है, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। सो आइए देखते हैं कि अब हमने नेक्स्ट क्या स्टेप फॉलो करना है। वहाँ से हम अभी अपना एक कंट्रोलर निकालेंगे जो कि चार्ज है, और इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसके ऊपर PS बटन है, यहाँ पर हम सेट करने के लिए ये PS बटन दबाएँगे और ये हमें आगे स्क्रीन शो करा देगा। सो ये मैंने इसके अंदर दो यूज़र सेट किए हैं। सो यूज़र सेट करने के बाद मैं राहिल हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है अपना ही यूज़र के तौर पे उसको स्टार्ट करूँगा। सो गाइज मेरे पास यहाँ पे अभी कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम है, तो हम लोग पहले ये ट्राई करेंगे कि कैसा इसका रिज़ल्ट है और कैसी गेम इन्होंने बनाई है। सो इसी की मुझे भी ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी। सो पहले हम देखते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी कैसी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे इंसर्ट करना है इसके अंदर। सो ये हमारी आ गई है जी CD, और ये हम इसके अंदर डाल देंगे इसको। अभी इसको ऑपरेट करने के लिए मुझे कंट्रोलर चाहिए, कंट्रोलर पकड़ लेता हूँ मैं। सो ग्राफिक्स का तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं प्रोमो के साथ, उसके मतलब आपके सामने है कि कैसा ग्राफिक दिया उन्होंने गेम के अंदर, और मतलब कमाल किस्म के उन्होंने ग्राफिक्स और इफेक्ट्स डाल दिए हैं। और आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये आप एक गेम खेल रहे हैं, आपको लगता है कि यार आप 4K के अंदर किसी अलग ही दुनिया में बैठे हैं और मतलब वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं। मतलब कैरेक्टर्स ऐसे बना दिए उन्होंने कि यार इंसान को लगता है कि ये रियल में है। सो ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और अभी फ़िलहाल मैं ये ज़ॉम्बी वाली आपको खेल के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और तो मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को इसको खेल के दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा सेटिंग्स में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं काफ़ी इस वीडियो में टाइम ले चुका हूँ, सो देखते हैं जितना इसको शॉर्ट कर सकते हैं हम करते हैं। सो ये हम लोग वेपन सेलेक्ट कर रहे हैं। आई नो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का भी मसला आ रहा है क्योंकि दिन का टाइम है, तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन चलें आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये गेम आपकी। वॉल्यूम मैंने इसका काफ़ी कम रखा है ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ चुके। तो ये आ गए हैं जी हमारे ज़ॉम्बीज और ये हम लोग उनको मार रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि यार थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा शो करा रहा है बंदा, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है कि मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ कोई परचेज़ करते हैं तो आप लोगों को एक्साइटमेंट होती है, और जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है वो लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई इंसान को थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो ज़रूर होती है इस चीज़ के अंदर। सो ये आप लोग देख सकते हैं, और ये अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये कंट्रोलर के अंदर से आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंट्रोलर के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी ऐड किया और वॉल्यूम भी शो होता है। इवन दो कि अगर आप GTA वगैरह खेलते हैं
सो उसके अंदर तो आपको मतलब कोई कॉल भी आती है तो उसकी आवाज़ कंट्रोलर के अंदर आएगी। सो आई होप कि आपको ये कॉल ऑफ ड्यूटी अच्छी लग रही होगी। मेरी तो ये यार फेवरेट गेम है और ये कमाल की इन्होंने बनाई है। तो इसको जितनी देर मर्जी खेलते रहो इंसान बोर नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा भी टाइम ना दिया करें गेम्स को। मतलब जितना इंसान को नॉर्मल टाइम देना चाहिए उतना ही दें, किसी चीज़ को भी अपने सर पे सवार ना करें, अदरवाइज़ फिर इंसान किसी और चीज़ का नहीं रहता। तो लिमिटेड टाइम दें, लिमिटेड टाइम खेलें और अपने माइंड को अपनी यानी स्ट्रेस को रिलीज़ करें, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, स्ट्रेस से इंसान को निकलना चाहिए। सो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे इंसान अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकता है। सो यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करेंगे और अभी मैं आप लोगों को GTA का थोड़ा सा एक्सपीरियंस देता हूँ कि GTA का कैसा है सीन है। तो GTA 5 डिस्क इंसर्ट कर दिया, मैं आपको इसका भी छोटा सा एक एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि GTA 5 कैसी है। तो ये हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आई नो थोड़ी सी इसके ग्राफिक्स और इमेजेस कुछ उस तरह की होती हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ये गेम है तो इतना सा तो चलता है। सो आप लोग देख सकते हैं कि GTA स्टार्ट कर दिया मैंने और ये बहुत ही कोई अच्छा व्यू दिखा रहा है लॉस एंजलस का। सो लॉस एंजलस का इन्होंने इसके अंदर नाम रखा है जी लॉस सैंटोस। सो ये हम देख लेते हैं कि ये देखें जी हमारी GTA शुरू हो गई है और ये हमारे माइकल भाई साहब आ गए हैं। माइकल भाई साहब की गाड़ी जो है ये जी इन्होंने ऑडी रखी हुई है। सो हम लोग ये ऑडी लेंगे और आपको थोड़ा सा लॉस सैंटोस का या लॉस एंजलस का शशका दिखाते हैं कि यार इस सिटी का शशका क्या है। सो ये हम जा रहे हैं जी, और ये गेम के अंदर ना तो इंसान से गाड़ी सीधी चलती है और ना ही सड़कों पे चलती है। मेरे से तो नहीं चलती, अगर आप लोगों से चलती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ये हम लोग ले रहे हैं एक शॉर्टकट और अब देखते हैं कि ये इंसान कहाँ पहुँचता है, और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये पहुँच पाएगा सड़क तक, और अगर तो ये ज़िंदा पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है कि ये ज़िंदा यहाँ पर पहुँच जाए। बाकी आई होप कि आप लोगों के इसके भी ग्राफिक्स अच्छे लग रहे होंगे, मुझे तो इसके ग्राफिक्स। हालांकि ये गेम थोड़ी सी पुरानी है, कोई 4-5 साल हो गए हैं इस गेम को आए, मे बी उससे ज़्यादा हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन ये है कि यार अभी तक इसके ग्राफिक्स जो हैं वो अच्छे हैं। सो ये इन्होंने थोड़ा सा LA का एरिया दिखाया है, और मज़ीद अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोगों को मैं ये ज़रूर दिखाऊंगा कि यार ये कैसा है। जिन लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया और जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं उनको तो पता है कि यार ये कैसी शानदार शहर है और क्या क्या इन्होंने इस गेम के अंदर डाल दिया। सो बहुत ही कमाल के इसके रिव्यूज़ हैं गेम के और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। सो अभी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यार कमाल की गेम बनाई है इन्होंने। सो गाइज़, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक गिव अवे अनाउंस किया था जो कि पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए था। मैंने बीच में वीडियोस नहीं बनाई आई नो, जिसकी वजह से वो कैंपेन भी हमारी पीछे रह गई। सो अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी जल्दी पहले 500 सब्सक्राइबर्स होंगे हम लोग इसका लाइव एक गिव अवे करेंगे और उस बंदे को एयरपोर्ट्स प्रो मिलेंगे। सो आप लोग भी उस कैंपेन का हिस्सा बने, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और इस गिव अवे का पार्ट बने। तो ये थी गाइज आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई नो ये मेरे चैनल रिलेटेड नहीं थी, हम लोगों ने कुछ नया एक्सप्लोर नहीं किया, दुबई में कुछ ट्रैवल नहीं किया, लेकिन आई नो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट भी मेरे चैनल पर देखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नई से नई चीज़ें कोई अच्छी अनबॉक्सिंग्स इस चैनल के ऊपर लेके आऊँ। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।